नमस्कार, रामचरण और बोयापति श्रीनु एक साथ काम कर रहे हैं एक फिल्म के ऊपर और ये बात आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। फिल्म का नाम है विनया विधेया रावा। अगर बस जो चल रही है इंडस्ट्री में उसके बारे में बात करें तो एक ये कहा जा रहा है कि फिल्म में एक और नया तड़का लगाया जा रहा है और वो तड़का है कैथरीन टेरेसा का एक आइटम नंबर जिसमें कि वो नृत्य करेंगी रामचरण के साथ, जो कि स्वयं अपने आप में एक बहुत ही कुशल नृत्यज्ञ है। एक ऐसी फिल्म जो कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा फेमस होती चली जा रही है, ऑलरेडी जिसमें इतना तड़का है, उसमें कैथरीन टेरेसा नृत्य करेंगी, टेम्परेचर और बढ़ाएंगी सिनेमा हॉल का, एक हॉट अवतार में स्पेशल सॉन्ग, कमाल हो जाएगा। वैसे ये गीत पहले जो है ऑफर किया गया था गोवा की सुंदरी इलियाना डिक्रूज को, लेकिन इलियाना डिक्रूज ने इतने अधिक पैसे मांग लिए, प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई इससे बेहतर है कि हम किसी और से काम करवाएं। और फिर किस्मत देखिए, कैथरीन टेरेसा जो कि इक्वली गुड डांसर है, इक्वली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, वो मिल गई। बंगलुरु के रहने वाली जो है कैथरीन टेरेसा, उन्होंने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है और हालांकि इसके बारे में कोई भी औपचारिक अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विनय विधेया रामा में जो है मैं बता रहा हूं कि कैथरीन टेरेसा का नृत्य आपको देखने अवश्य मिलेगा। अनाउंसमेंट जल्दी की जा सकती है क्योंकि इसका जो पूरा फिल्मांकन होना है वो 10 दिसंबर को होना है। काफी लैविश सेट लगाया जा रहा है इसके लिए। मैं बता दूं कि इस फिल्म की जो टॉकी पोर्शन है, जो डायलॉग वाले तमाम शूट हैं, वो हो चुके हैं। हो सकता है एडिटिंग के समय कुछ पैच वर्क किया जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बोयापति श्रीनु और कैथरीन पहले काम कर चुके हैं अल्लू अर्जुन की जो फिल्म थी सरिया नाडू, और बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की जो फिल्म थी जय जानकी नायिका, इन दोनों फिल्मों में ये तीसरी बार होगा कि ये दोनों एक साथ काम करेंगे। और कियारा आडवाणी जो कि तेलुगु फिल्मों में अभी हाल ही में अपना डेब्यू किया है, उन्होंने कोरताला शिवा की जो फिल्म थी भरत ने नेनु, बहुत बेहतरीन फिल्म, उसमें जो है काम करके, तो अब वो जो है इस फिल्म में रामचरण की प्रेमिका का भूमिका करने जा रही है। धनाया जो है इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विवेक ओबराय मेन विलन है। रामचरण जो है वो बोयापति श्रीनु की इस फिल्म को जब समाप्त कर रहे हैं, इसी के साथ साथ एक दूसरी फिल्म शुरू भी कर रहे हैं वो, एसएस राजामौली की अगले आने वाली फिल्म आर, जिसमें वो स्क्रीन शेयर करेंगे यंग टाइगर जूनियर एनटीआर के साथ। उसके अलावा रामचरण जो है दो फिल्में प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। उन दोनों फिल्मों में जो है उनके पिताजी चिरंजीवी काम करेंगे। एक की तो 50% शूटिंग हो चुकी सैयर नरसिम्हा रेड्डी की, और दूसरी जो फिल्म है जो कोरताला शिवा डायरेक्ट करेंगे, उसका नाम नहीं रखा गया है अभी, लेकिन उसका भी प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। सैयर नरसिम्हा रेड्डी, जैसे मैंने आपको बताया कि 50% शूटिंग हो चुकी है, और अब ये है कि अब एक अलग आनंद आने वाला है। एक के बाद एक जो ये फिल्में आएंगी, लेकिन फिर 2 साल तक जो है रामचरण की कोई फिल्म नहीं आएगी। 2 साल के बाद आपको देखने मिलेगी रामचरण की अगली फिल्म आर। इस बीच में रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों व्यक्ति पर्दे पर से गायब रहेंगे। देखा जाए क्या होता है। काफी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि आप तमिल में चले जाएं 2.0 जैसी फिल्म बन रही है, वहाँ बड़ा चेन्नई जैसी फिल्म बन रही है। आप अगर कन्नड़ा में चले जाएं तो वहाँ पर जो है द विलन जैसी फिल्म बन रही है, KGF जैसी फिल्म बन रही है। KGF की तो मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। मैं इधर 2-3 दिनों से शायद KGF कुछ कम बातें कर रहा हूँ, फिर से दोबारा बात करनी शुरू करता हूँ उस फिल्म पे। लेकिन वहाँ मलयालम में चले जाएं तो मोहनलाल की एक के बाद एक फिल्म बनते चली जा रही है बड़ी बड़ी, और साथ में मम्मूटी भी अब एक आध बड़ी फिल्में कर रहे हैं। मम्मूटी दरहाल फिलहाल में थोड़ी छोटी फिल्में कर रहे थे जनता को प्लीज करने वाली, अब थोड़ी बिग बजट फिल्में भी कर रहे हैं। ओडियान भी आने वाली है, देखा जाए क्या होता है। मैं आपको इन सारी फिल्मों के बारे में बताता रहूंगा, यहाँ तक कि हिंदी में भी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं। ताकत है जिस तरह बहुत सारी बड़ी फिल्में बन रही हैं, देखते रहिएगा आप मुझे। मैं आपको जो तमाम जगह से जितनी भी खबरें होंगी सारी ला करके दूंगा, मैं पूरे भारत की खबर ला करके देता हूँ, यही मेरा काम है। मैं हूँ अनुपम, आप देख रहे हैं टुडेज, और हम सिर्फ ब्रेक के लिए जा रहे हैं। इसे गलती से ये ना समझें कि प्रोग्राम खत्म हो गया है और चैनल बदल दें। मैं ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप चैनल नहीं बदलें।